हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं। आइए देखते हैं पॉलीनोमियल के टाइप्स। हमने आपको पॉलीनोमियल के बारे में बताया था कि कोई भी पॉलीनोमियल पी एक्स की फॉर्म में होता है, जहां पर एक्स इनपुट है और पी एक्स आउटपुट होता है। यहां पर हमने आपको बताया था ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स एंड ए एक्स यहां पे हमने 0, 1, 2, 3 और ये n। इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4 n, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल है। इस स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल में हम दो चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं, जिसको हम कहते हैं पावर। पावर की बात करते हैं और दूसरी बात हम करते हैं टर्म की। दूसरी बात करते हैं टर्म की। यहां पे पावर क्या है, आपको पावर जीरो भी नजर आ रही, वन भी नजर आ रही, टू भी नजर आ रही, थ्री भी नजर आ रही और एन भी नजर आ रही। तो जब हम बात करते हैं इन पावर्स की, तो वो पावर कौन सी होनी चाहिए पॉलीनोमियल की, मैक्सिमम पावर। कौन सी पावर, मैक्सिमम पावर। इस मैक्सिमम पावर को हम बात करेंगे, अगर हम डिफाइन करते हैं यहां पर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, अगर हम इसको डिफाइन कर दें तो हम पॉलीनोमियल को क्या कहेंगे, नेम पॉलीनोमियल कैसा होगा। अगर इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर मैक्सिमम पावर जीरो है, मतलब मैक्सिमम पावर जीरो को भी हम यहां पे एग्जांपल से दिखाते चलेंगे। जैसे हमने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू 5 एग्जांपल। यहां पर एक्स की पावर क्या है, जीरो है, राइट। ये जीरो पावर है तो हम इस पॉलीनोमियल का नाम देंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल। क्या कहेगा, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल होगा क्योंकि इसमें क्या है, आउटपुट हमेशा फिक्स रह रहा है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। आप 1 रखो तो भी 5 आएगा, 2 रखो तो भी 5 आएगा, -1 रखो तो भी 5 आएगा, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, राइट बच्चों। अब आता है कि अगर हमने एन क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो अगर हम यहां पर एन 1 रखते हैं तो पी एक्स इक्वल टू 2x+3। अगर हम इसको लेते हैं तो यहां पर समझिए मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है बच्चों, 1। इस मैक्सिमम पावर को हम 1 कहेंगे, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये पॉलीनोमियल यहां पर क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, राइट। इसी तरह हम जब बात करेंगे, जब पी एक्स एन की वैल्यू कितनी हो जाए, 2, एन की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो पी एक्स क्या हो सकता है, पी एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर केवल हो जाए, पी एक्स ये भी हो सकता है बच्चों 2x² + 3x, ये हो सकता है, और पी एक्स ये भी हो सकता है 2x² + 3x + 5, ये भी हो सकता है, राइट। तो इसमें क्यों मैं बताना चाह रहा हूं, ये तीनों तरीके से ये पॉलीनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। चाहे ये ले लिया जाए, चाहे ये ले लिया जाए या ये ले जाए, इसको हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं ax² + bx + c की फॉर्म में, और ये हमारा होगा ax + b की फॉर्म में, कोई भी पॉलीनोमियल हो सकता है, राइट। तो ये दिमाग में रखते हैं। यहां पर इस पॉलीनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है। और अगर यही पावर आपकी थ्री हो जाए, यही पावर आपकी थ्री हो जाए तो थ्री में क्या हो जाएगा, यही पी एक्स आपके पास यहां पे थ्री एक्स यहां पर यही पी एक्स क्या हो जाएगा, ये टू एक्स क्यूब हो सकता है। पी एक्स क्या हो सकता है, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो सकता है। यही पी एक्स क्या हो सकता है, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो सकता है, सॉरी फोर एक्स हो सकता है। और यही पी एक्स क्या हो सकता है, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव हो सकता है। तो ये अगर हम इस जनरल पॉलिनोमियल को यहां पर लिख दें, ये जनरल पॉलिनोमियल अगर इसकी जगह पे हम लिखते हैं तो वो हो जाता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में, राइट। तो ये इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब आ जाती है अगर फोर है तो फोर में क्या होता है, सिंपली फोर में भी ऐसे ही होगा, जब हम बात कर रहे होंगे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एक्स की पावर फोर, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, पी एक्स की पावर क्या हो जाएगी, टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, और पी एक्स क्या हो सकता है, टू एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो इसमें से कोई भी फॉर्म आपकी क्या हो सकती है, ये फोर्थ पावर की। देखिए यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, फोर है। इस मैक्सिमम पावर फोर को हम जनरलाइज कर सकते हैं, ए एक्स की पावर फोर बी एक्स की पावर थ्री प्लस सी एक्स की पावर टू प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल आ जाता है और इसको बोलते हैं हम कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये हम चार तरीके हैं, इसके अलावा भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक की जगह हम उसको नाम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में ये है चार, इनको हम समझ लिया है, ये आपके पास इसका पैटर्न है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि पावर के बेस पर हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब एन की मैक्सिमम पावर जीरो होती है, जब एन की वैल्यू जीरो होती है या एक्स की मैक्सिमम पावर जीरो होती है। जब यहां पर एक्स की मैक्सिमम पावर वन या एन की वैल्यू वन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये टू होती है तो क्वाड्रेटिक, ये थ्री होती है क्यूबिक, ये चार होती है तो बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान रखेंगे ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑफ एनी पॉलिनोमियल की, वो किस कैटेगरी का है, राइट बच्चों। ये समझ में आया होगा आपको, ये हमारी टेबल है पॉलिनोमियल के टाइप्स के लिए, और ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में और क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं टर्म के बेसिस पे। तो जब टर्म के बेसिस में होता है तो हम किसको टर्म कहते हैं, ये हमारा क्या है, टर्म है, ठीक है, इट इज कॉल्ड टर्म। जितने प्लस माइनस के साथ चीजें लिखी होंगी पॉलिनोमियल में तो वो क्या होगा, हमारा टर्म होगा। तो यहां पे देखिए टर्म की बेसिस पे अगर कहीं पर टर्म एक ही हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म,
अगर हम बात करें तो पॉलीनोमियल को हम क्या कहेंगे, पॉलीनोमियल नेम क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म अगर वन है तो हम उसको बोलेंगे क्या, मोनोमियल। क्या बोलोगे, मोनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं। अगर हम पावर टर्म दो हो जाए, मतलब टर्म दो, एग्जाम्पल हम आपको यहां पे भी देंगे, एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मोनोमियल जो होगा वो होगा हमारा ए एक्स। ये क्या है आपका, मोनोमियल है और इसमें एक टर्म है, या केवल ए भी मोनोमियल में आएगा, राइट। इसी तरह अगर दो टर्म होते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और बाइनोमियल में जो टर्म आएंगे वो ए एक्स प्लस बी होगा। ये भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी भी हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी भी हो सकता है, कोई भी जिसमें दो टर्म हो वो होगा इसका। इसी तरह तीन अगर हो जाएं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल को हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसके बाद कोई भी आप ले लीजिए, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये लिखा हुआ है तो भी बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। इसी तरह ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, ये लिखा हुआ है तो भी क्या है, ट्राइनोमियल है। इस तरह ये आ जाते हैं। अगर चार है तो इसको बोलते हैं टेट्रानोमियल। क्या बोलते हैं, टेट्रा माने चार होता है, टेट्रानोमियल। आप इसको एक जनरल फॉर्म में समझ लीजिए, टेट्रानोमियल में चार टर्म आ जाते हैं। वो चार टर्म कौन से हैं, वो हैं ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस डी एक्स, ये भी है, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये भी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। लेकिन टर्म गिनती के चार होने चाहिए, टर्म गिनती के चार होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री ट्राइनोमियल, वन टू थ्री ट्राइनोमियल, वन टू थ्री ट्राइनोमियल। यहाँ पे प्लस माइनस साइन से जो भी सेपरेट होंगे वही टर्म गिने जाएंगे, राइट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है पावर बेस पे, एक होता है टर्म बेस पे। पावर बेस पे मैंने आपको बता दिया, अगर मैक्सिमम पावर जीरो है तो कांस्टेंट, वन है लीनियर, टू है क्वाड्रेटिक, थ्री है क्यूबिक और फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरह अगर टर्म एक है तो मोनोमियल, टर्म दो है तो बाइनोमियल, टर्म थ्री है ट्राइनोमियल और टर्म चार है तो टेट्रानोमियल। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। आपको समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।